देखो दोस्त, अब इसी एक थ्योरम के बेस पे, आपकी 6.4 एक्सरसाइज है। मैंने आपको कहा अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके एरियाज की जो रेशियो होती है वो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मीडियन आ जाए, हमने ये भी प्रूव कर चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड की रेशियो मीडियन के साथ सेम होती है। हमने ये पहले पहले लास्ट एक्सरसाइज में दो तीन जगह पे ये सेम चीज प्रूव कर ली है हमने। तो अगर साइड्स के बजाय अगर आप मीडियंस ले लेते हो तब भी रिजल्ट वैलिड है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल डीईएफ अगर आप लेते हो तो इसमें मीडियन अगर एडी है और इसमें डीएम है तो दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगी। और अगर मीडियन की जगह ऑल्टीट्यूड आ जाए तो इसकी जगह ऑल्टीट्यूड ले लेना, और अगर एंगल बाइसेक्टर आ जाए तब भी रिजल्ट वैलिड है। साइड के साथ तो है ही है पर मीडियन के साथ भी है। ये जो रिजल्ट, अभी बैठना नहीं आता, सही तरीके से बैठो, उठ के पीछे जाओ, पिछले बेंच पे चले जाओ। ये जो मैंने रिजल्ट बोला है ना आपको, ये 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो रीड करो। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, रीड कर लो। देखो, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस, ठीक है। तो ये यही रिजल्ट है जो आपको बोला है, क्योंकि ये रेशियो सेम होती है, साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो साइड मीडियन के इक्वल है, तो रिप्लेस करके ये भी आ जाएगा। हमने 6.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन में किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी देख लो। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको कहते हैं, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, वो देख लो। श्रेयांक आपको नोटबुक दी थी, तरुणदीप की किसको दी है? अपने पास रखना, दे देना जब आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, पहले ये देखो। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें आपको कहता है ए लाइन सेगमेंट है एक्स वाई। ये जो लाइन सेगमेंट एक्स वाई है ये एसी के पैरलर है। हमने ये रिजल्ट किया हुआ है कि अगर कोई साइड इसके पैरलर होती है थर्ड साइड के, तो इसकी जो रेशियो होती है वो इसके, ये इसके इक्वल होती है किसके? हाफ के। एक्स वाई जो है वो एसी के हाफ के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम ये रिजल्ट यहाँ पर अब यूज भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और दे रखी है आपको, ये कहता है कि ये जो द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू एसी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये जो लाइन है ना, ये ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये पूरे ट्रायंगल के हाफ के इक्वल हो गया। मीन्स इस ट्रायंगल का और ये जो फिगर बन रही है, ये ट्रेपीजियम, ये ट्रायंगल का एरिया और ट्रेपीजियम का एरिया इक्वल है, इसका मतलब यही है। और एक मीनिंग और है कि ये जो छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया है वो पूरे के हाफ के इक्वल है, या ये भी कह सकते हो ट्रेपीजियम का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के हाफ के इक्वल है, ठीक है। तीन चीजें बोली है मैंने, एक तो ट्रायंगल का एरिया ट्रेपीजियम के इक्वल है क्योंकि ये लाइन इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। दूसरा मैंने बोला कि छोटे वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के हाफ के इक्वल है एरिया, और इस ट्रेपीजियम का एरिया पूरे ट्रायंगल के हाफ के एरिया के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल है ना, तो अगर पूरी फिगर ही इक्वल है तो दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्मॉल ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल है, मतलब बी एक्स वाई का जो एरिया है वो हाफ ऑफ ए बी सी के इक्वल है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। अब देखो आपको करना क्या है, आपने ax अपॉन ab की रेशियो लेके आनी है। रेशियो कब आती है? रेशियो कब ले सकते हैं आप? ठीक है, अब साइड तो पैरलर है, इस साइड की रेशियो निकालनी है अब आपने। अब यहां पर दो रिजल्ट लग सकते हैं, एक तो बीपीटी भी लग सकता है, क्योंकि जब वो लाइन इसके पैरलर है तो दोनों की रेशियो क्या होगी? इक्वल। अगर रेशियो इक्वल है तो आपको ये चाहिए, लेकिन इसके बारे में कुछ दिया नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके पास एक तरीका और है,
आपको ये पता चल गया कि ये लाइन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दोनों का एरिया इक्वल है। और जब एरिया इक्वल होता है तो अभी हमने 6.4 थ्योरम या 6.5 जो भी उसका नेम है वो थ्योरम की थी कि अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब हम ये वाला रिजल्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। आप छोटे ये देखो, आपको चाहिए एक्स और ए बी, लेकिन एक्स तो ट्रेपीजियम की साइड है और थ्योरम तो ट्रायंगल पे लगती है। तो आप क्या करोगे, पहले आप ये छोटे वाला ट्रायंगल लोगे, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक है, जब आप छोटे वाला ट्रायंगल लोगे तो उसका नेम आएगा बी एक्स वाई, और बड़े वाला ट्रायंगल का नेम आएगा बी ए सी भी ले सकते हो, मैंने ए बी सी लिख दिया। ठीक है, वो आप देखना, वैसे यहाँ बी आएगा पहले क्योंकि बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी आएगा। इसकी साइड आएगी बी एक्स छोटे वाले ट्रायंगल की, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड आएगी ए बी के स्क्वायर के। ठीक है, इसकी रेशियो हमने निकाल ली है कि इसकी जो रेशियो अगर आप इसको यहां ले आओ तो क्या आएगी रेशियो, 1/2 आएगी। यहां पुट कर दे 1/2, इसकी जगह 1/2 लिख दो, यहाँ पे आ गया बी एक्स अपॉन ए बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रिमूव करके यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा ऐसे। ठीक है, आपको ये चाहिए। अब इन दोनों में देखना जरा क्या सेम है, ए बी। जो चीज सेम रखनी होती है इसे डिनोमिनेटर में लाते हैं, ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। आप चाहो तो रेशियो रिवर्स भी ले सकते हो, ए बी बुक में ना रिवर्स करके दिया हुआ है, ए बड़ा ट्रायंगल ऊपर लिया हुआ है छोटा नीचे, हमने छोटा नीचे रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आएगा आंसर। आपने ये रेशियो निकालनी है, इसमें ए बी डिनोमिनेटर में है, इसमें भी डिनोमिनेटर में है। एक चीज का याद रखना है, रिलेशन ये आप बिल्कुल नहीं सुन रहे, लास्ट बेंच पे करने क्या आए हो स्कूल, क्या देख रहे हो पेन को, कुछ भी नहीं ना आप सुन रहे हो, इसको छोड़ दो, नहीं पेन नीचे रखो, ये लेग नीचे करो, पहले सीधे बैठो, आर्म्स क्रॉस करो, सीधे बैठो, हाँ ऐसे बैठो, इधर देखो जरा। जिस चीज को आपने फिक्स रखना होता है वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप रेसिप्रोकल करके बना लो, क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करते तो वो चीज रिमूव हो जाएगी, फिर कहां से लाओगे दोबारा, इसलिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने ये आंसर लाना है, देखो इधर ये ए बी साइड है, आपके पास बी एक्स के साथ रेशो दे रखी है, आपको चाहिए ए एक्स, ए एक्स कैसे आएगा, माइनस करके। ठीक है, माइनस इसलिए करना है क्योंकि आपके पास पूरी लेंथ दे रखी है और बी एक्स दे रखी है, आपको चाहिए ए एक्स, जब आप पूरे में से बी एक्स माइनस करोगे तो ए एक्स आ जाएगा, तो आप दोनों साइड पे 1 माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा, √2 - 1/√2, और इसका एलसीएम लोगे ए बी माइनस बी एक्स बाय, ये क्या आ गया, यही चाहिए था आपको, ये आ गया। ठीक है, तो याद रखना है, जिसको फिक्स रखना है, जो चीज आप चाहते हो चेंज ना हो उसको डिनोमिनेटर में ले आना, और अगर नहीं है तो रेसिप्रोकल करके खुद ले आओ, बाद में जैसे मर्जी रेशो जो चाहिए उसके साथ मैच कर लेना, रेसिप्रोकल है तो कर लेना, जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। थर्ड क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, 6.4 के दो क्वेश्चन हो गए थे फर्स्ट सेकंड, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं सारी सिर्फ फिगर्स एक्सप्लेन करूंगी, प्रूफ नहीं करवा रही, मैं सिर्फ बता देती हूँ आपको रिजल्ट को लर्न कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीजें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, पहले तो बुक के क्वेश्चन आने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एबीसी और डीबीसी, बेस सेम है बीसी। ये देखो ये ट्रायंगल है यहाँ पे एक, और एक ट्रायंगल यहाँ पे है, ये जो दो ट्रायंगल है, एक है एबीसी और एक है डीबीसी, इन दोनों का बेस सेम है, ट्रायंगल के बारे में और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे एक लाइन जा रही है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि एबीसी का जो एरिया है ये बड़ा ट्रायंगल, और डीबीसी का जो एरिया है एबीसी अपॉन डीबीसी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन डी ओ, इसके इक्वल है, ये रेशियो लेके आनी है। ठीक है,
बता सकते हो? एरिया की रेशियो है, और एरिया की रेशियो कब लगती है? जब ट्रायंगल, तभी लगती है, अदरवाइज जब भी कहे ना एरिया तो समझ लेना वो एरिया वाली रेशियो लग, वो लगना है, थ्योरम लगनी है। एरिया की रेशियो तभी लोगे ना जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और यही एक थ्योरम है जो एरिया पे लग रही है, आगे जाके देखेंगे, वैसे है नहीं सिर्फ एक यही है, ठीक है? तो जहां एरिया का कंसेप्ट आ गया वहां समझ लेना यही वाली थ्योरम लगनी है। अब आपने ये रिजल्ट लेके आना है, ओ एओ अपॉन डीओ, ठीक है? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लेना है और ये लेके आना है। अब देखो जरा बताओ, ये ट्रायंगल का रेशियो लेनी है, लेकिन आपको चाहिए ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए, पहले ट्रायंगल को करेंगे सिमिलर। ये तो किसी ने कहा नहीं ना कि ये परपेंडिकुलर है, यही मेन है इस क्वेश्चन में। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लेते, बेस कॉमन था, कैंसिल हो जाता, हाफ कैंसिल होता, आंसर आ जाता। लेकिन ये तो किसी ने कहा नहीं कि ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए ये रिजल्ट नहीं लग सकता। आप क्या करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर खुद बनाओगे ऐसे, बात समझ आई? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो तभी लगेगा ना, या तो थ्योरम लगेगी, थ्योरम लग नहीं सकती क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो अब रह गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस तो सेम है लेकिन हाइट नहीं थी, तो हाइट हमने दो परपेंडिकुलर खुद ही बना दिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे आपने बोला ना डायरेक्ट नहीं लग सकता, लगा दो किसी को क्या पता आपने क्या लगाया, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ देखा जाए तो लग नहीं सकता, ठीक है? अब क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, फिर तो लग सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? अब यहां देखो, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, ये एंगल 90, ये एंगल ए, सिमिलैरिटी से ट्राइंगल क्या हो गए? अगर ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो क्या आएगी, सेम। एओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू, इसको कोई नेम दे दो, एल एम दे दिया, इसका नेम आएगा ए एल, इसका नेम आएगा डीएल। ये पता है मैंने क्यों किया है? क्योंकि जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट एएल, और सेकंड ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ बेस बीसी इंटू हाइट डीएम। बेस सेम है, कट गए, एएल अपॉन डीएम, और एएल अपॉन डीएम किसके इक्वल है, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? इसलिए दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था ताकि रेशियो मिल जाए, और कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डायरेक्टली नहीं लग सकता क्योंकि हाइट नहीं है, और हाइट खुद बना के दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लो, साइड्स की रेशियो ले लो, इस साइड की रेशियो भी सेम आएगी, ओएल अपॉन ओएम, क्योंकि ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो दो के साथ एक और भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, तीन है जो जरूरत हो, हमें ये जरूरत है इसलिए मैंने ये लिखे थे, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इंपॉर्टेंट है फोर्थ भी, कॉन्ग्रेंसी का कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया था दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कॉन्ग्रेंसी वाला, एक क्वेश्चन ये और है, ठीक है? एक शायद और आएगा, वैसे ये मेरे ख्याल से ये दो ही है बस, जिसमें कॉन्ग्रेंस, फिफ्थ एक्सरसाइज, चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखो। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, दो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर है, दोनों का कहता है एरिया सेम है, मतलब ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के सेम है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर दिए हुए हैं, एरिया दोनों का सेम दिया हुआ है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, किसी भी कॉन्ग्रेंसी रूल से, ठीक है? ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस, ए एस, कोई भी, ठीक है? दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, दोनों का एरिया सेम दिया हुआ है। अगर दोनों का एरिया सेम है तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 1:1 आ गया। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज की जो रेशियो होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होती है,
ये ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा है, यहाँ से ए बी अपॉन बी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन, सारे इक्वल हो गए। ये वन रेशो वन है तो इनकी भी वन रेशो वन आ गई, इसका मतलब ये भी वन इज टू वन के इक्वल है, ये भी वन इज टू वन के इक्वल है। वन इज टू वन का मतलब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू, सारी साइड इक्वल होगी। कौन सा रूल बन गया, ट्रिपल एस, ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंसी के लिए साइड्स इक्वल करनी थी ना, सिमिलैरिटी लगा के दोनों सारी साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट बाय ट्रिपल एस, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा पेपर में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अदिति इधर हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक ट्रायंगल है, इसमें डी ई एफ मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, तो डी एफ जो है वो बी सी के हाफ के इक्वल आ गया, डी एफ जो है हाफ ऑफ बी सी के इक्वल आ गया, डी ई जो है हाफ ऑफ ए सी के इक्वल आ गया, और ई एफ बी क्या आ गया, हाफ ऑफ ए बी के, सारे हाफ के इक्वल हो गए। यहाँ देखना जरा, अगर आप इसको यहाँ ले आओ ऐसे हो जाएगा, रेशो क्या आ जाएगी, इस ए सी को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, सबकी रेशो हाफ सेम है। अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी क्या होगी, सेम होगी। इसका स्क्वायर अगर कर लें, स्क्वायर हो जाएगा, सबका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, सारी रेशो सेम होगी, ठीक है, सारी रेशो सेम हो गई, इसका क्या मीनिंग है, हमने एक्चुअली रेशो फाइंड करनी थी। रेशो कब लेते हैं, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हैं, हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब रेशो सेम है, रेशो सेम है तो साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। एक मिनट देना जरा, और क्या करना है, प्रूव करना है कि रेशो ऑफ द एरिया ऑफ डीईएफ और एबीसी क्या है, मतलब छोटे ट्रायंगल के एरिया की रेशो बड़े ट्रायंगल के साथ लेनी है, ये सारे सेम है 1/4, तो ट्रायंगल के एरिया की रेशो भी 1/4 ही आ जाएगी, छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की रेशो, ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इस सबकी रेशो सेम आ रही है, ये सारे सेम है, और ये किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ डीईएफ अपॉन एबीसी के इक्वल होता है, ठीक है, ये सारी साइड इसके इक्वल होती है ना, ये 1/4 है तो इसकी रेशो भी क्या आ जाएगी 1/4। और भी मेथड है इसको करने का, एक मेथड और भी यही देखो, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये क्या बन गया, पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होता है, 9th क्लास में किया था, डायगोनल ऑफ ए पैरेलोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, इसका मतलब इसका एरिया इक्वल हो गया, इसका मतलब ये पूरे का क्या हो गया हाफ, ऐसे ही ये पूरे का क्या हो गया हाफ, ये इसका क्या हो गया हाफ, तो रेशियो हाफ ऑफ ही आ जाएगी, हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये इजी है मेथड, ये वाला थ्योरम लगी ना डायरेक्ट इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वही है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, मेन है इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अब आएंगी इसके बाद, यहां तक तो इजी है सारा कुछ, और अगली एक्सरसाइज के अब हम आगे से प्रूफ नहीं करेंगे, बस स्टेटमेंट का मीनिंग समझेंगे बस, इसमें तो प्रूफ बता रहे हैं ना कैसे आ रहा है, इसमें ऐसे नहीं, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, जितना हो सकेगा कंसेप्ट वगैरह बता देंगे, जो लगेगा हो जाएगा जल्दी वो करा देंगे, जिसके प्रूफ ज्यादा बड़े हैं बस वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको कहता है एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इसकी साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर। और अगर इसकी साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स भी ए हो जाएंगे। अब कहता है एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो फॉर्म किया है इसके डायगनल पे। अगर ये साइड ए है तो इसका डायगनल क्या आ जाएगा, रूट टू ए, ये बताया हुआ है आपको। कहता है अब इस साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और फॉर्म हो रहा है। अब ये इक्विलेटरल है, इसकी साइड रूट टू ए है, तो इसकी साइड भी क्या आ जाएगी, अब इक्विलेटरल। कहता है ये इन दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो निकालो, एरियाज की रेशियो निकालो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका भी रूट थ्री बाय फोर साइड को, दोनों की रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा 1/4 या 1/2, क्या था, 1/4 है शायद, 1/2 है आंसर। ठीक है, ये देखो इधर रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, इसका एरिया रूट थ्री बाय फोर साइड रूट टू ए का स्क्वायर, ये कैंसिल। जहां बैठा ना पूछ के नहीं, ऐसी मार दी, सिर्फ रोका हुआ है अपने आप को, हाफ आ गया आंसर, रूट टू का स्क्वायर टू, ये कैंसिल, हाफ आ गया आंसर। क्लियर है। एक और बात, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना सारे इक्वल साइड वाले होते हैं, इक्वी एंगुलर भी होते हैं 60 डिग्री, तो वो सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ना लगाकर ट्रायंगल सिमिलर थे तो देयर कॉरेस्पॉन्ड, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल ले सकते थे, तब भी आंसर आ जाता। बात समझे हो, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दोनों की साइड्स भी सेम सेम है, दोनों इक्वी एंगुलर है क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री सेम है, तो डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी साइड और इसकी साइड के स्क्वायर के भी तो इक्वल होगा, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज की जो रेशियो होती है वो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होती है। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, आंसर क्या आ गया। तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला लगा दिया, ये लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और हैं, देखो रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। मैंने बोला क्वेश्चन रीड करो, ये बुक नहीं दिख रही। एबीसी एंड बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब दो ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, इसका मतलब इक्वी एंगुलर होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों की रेशियो ले सकते हो, किसके इक्वल आएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, डी इज अ मिड पॉइंट। ये देखो ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, बी डी ई, डी यहां पे एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर दिया बी डी ई, ये मिड पॉइंट है इसका। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट होगा, आंसर इज राइट। ठीक है, कि अगर एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं और वो इसके पैरेलल होती है तो ये अपने आप मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट होगा, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करके आए हो पहले। अब ये दोनों ट्रायंगल ना इक्विलेटरल है, छोटे वाला भी बड़े वाला भी, और ये मिड पॉइंट है। आपको यहाँ पे क्या रहा है, रेशियो है, बड़े ट्रायंगल की एरिया की रेशियो लेनी है छोटे ट्रायंगल के साथ, ये बताना कैसे करेंगे। ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे, इक्विलेटरल है तो सिमिलर होंगे, वैसे कर भी सकते हैं, ये कॉमन और 60 डिग्री है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल भी इक्वल ले सकते हो, वैसे 60 डिग्री भी है क्योंकि इक्विलेटरल है, इक्वी एंगुलर हो गए
ट्रायंगल सिमिलर है। अब साइड की रेशियो लेनी है, वो कैसे लेंगे? बड़े ट्रायंगल की साइड ए बी ले ली, छोटे ट्रायंगल की साइड बी ई ले ली। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट हो गया, हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये इस पूरे का क्या हो जाएगा? तो इसकी जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी, ये स्क्वेयर है ना, ए बी स्क्वेयर कैंसिल, 1/2 का ऊपर स्क्वेयर करके 4/4:1, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का मतलब है हाफ में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इजी है, करो अपने आप। साइड की रेशियो दे रखी है, स्क्वेयर कर देना, ठीक है, 16:81 आ जाएगा। कितना टाइम रहता है? नहीं, 50 पे नहीं होनी, ठीक है। हाँ जी, एक रिजल्ट और सुन लो तब तक, देखो इधर। अब इसके बाद एक थ्योरम और है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फिर उसका कन्वर्स है, एक का प्रूफ करेंगे। वैसे मीनिंग सुन लो जरा थ्योरम का। पहले थ्योरम तो ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने ऐसे बनाया, आप दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो, एक ही बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये बनाया परपेंडिकुलर आपने, जो आप वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर बनाओगे, ये ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये इस ट्रायंगल को जो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ईच स्मॉल ट्रायंगल इज सिमिलर टू ईच अदर एंड इज सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल। ये ए बी सी डी, मतलब ए बी डी जो है वो बड़े ट्रायंगल ए बी सी के साथ सिमिलर है। कैसे? बहुत इजी है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हाँ जी, ये बी पे बन रहा 90, यहाँ डी पे बन रहा 90, ठीक है, एंगल ए कॉमन। ये छोटा ट्रायंगल बड़े के साथ सिमिलर हो गए, सेम वे में ये छोटा ट्रायंगल भी बड़े के साथ सिमिलर है, और ऐसे ये दोनों आपस में भी सिमिलर है, ठीक है, दोनों आपस में भी सिमिलर है। ये 90 आ गया और साइड एक कॉमन है ना, रेशो आनी चाहिए। वो पता है कैसे है? छोटे वाले ट्रायंगल बड़े के साथ सिमिलर है, ये वाला छोटे वाला बड़े के साथ सिमिलर है, दोनों को जब कंबाइन करोगे दे आर सिमिलर टू ईच अदर, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अब जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल आएगा वहां समझ लेना इस ये वाला रिजल्ट लगना है, ठीक है। अब पूरी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है ना उसमें ये वाला रिजल्ट अप्लाई होगा। और पेंडिकुलर दे रखे हैं, साइड्स की रेशो लेनी है, इस तरह के क्वेश्चन है। ये रीड करो जरा रिजल्ट, पेज नंबर, ये थ्योरम नंबर 6.6 दे रखी है, इसी सेम पेज पे 144 पे रीड कर लो स्टेटमेंट। सीधे बैठो केशव, सीधे बैठो, हाँ 6.7 नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on the both the side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ठीक है, ये result है। Example, ये theorem number 6.8 read करो। In a right triangle, the square of the ये क्या है ये? Pythagoras. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of perpendicular and base. ये theorem का proof करना है हमें, ठीक है, ये कल करेंगे proof, क्योंकि लिखना भी है फिर notebook पे। अब सुनो इधर, example number, अच्छा जो theorem 6.9 है वो उसका converse है, एक करनी है इसमें theorem और एक का सिर्फ result learn करना है बस, दोनों में से Pythagoras और उसका converse है ना, पाइथागोरस करनी है, कन्वर्स की स्टेटमेंट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, सीडी परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है बीसी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर जो है वो बीडी बाय एडी के इक्वल है। अभी हमने किया है
कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर बनाते हो तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, और छोटे वाला ट्राइंगल बड़े के साथ सिमिलर है। तो अब आपने यहाँ पे सिमिलैरिटी का रिजल्ट लगा के रेशियो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना। रीड करो एग्जाम्पल नंबर 10, रीड कर लो एग्जाम्पल नंबर 10। कृतिका बुक कहाँ है, क्या हुआ, सेल करनी है इसके बाद बुक? रीड कर लो, आप तो घर से आराम करने ही आए हो मुझे लगता है, घर पे काम करवाते हैं आपसे है? यहाँ ऐसे थका हुआ आता है ना। 45, 13, 32, 12, 35, 45, 13, 32, 12, 35, बस यही है। कितने प्रेजेंट है, 33। कल मैथ्स का टेस्ट है, कल थर्सडे है ना, कौन कहता ऑनलाइन, यही देना है टेस्ट। पता ही है जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनका टेस्ट यही होना है, और कंपलसरी है ऑनलाइन में नहीं होना टेस्ट, जो यहाँ आ रहे हैं उनको ऑफलाइन में देना है। ये मैं सोचना टेस्ट के लिए कल आए नहीं, फिर ऑनलाइन में नहीं देना टेस्ट, जीरो ही है, ठीक है। नॉट अपीयर्ड भी नहीं, जीरो लगाना है, क्योंकि आप आए नहीं, क्लास में आके देना है टेस्ट। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, मैंने आपको मैसेज डाल दिया था ग्रुप में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट है। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा फिर वो कंबाइंड फिर से दो चैप्टर का होगा, ठीक है। और NAS फिर से है संडे को, और कंपल्सरी है, जिन्होंने नहीं दिया वो अटेम्प्ट करो, कंपल्सरी है वो। पता नहीं कितने होंगे, होते ही रहने हैं। हाँ, हर संडे को आता है, आपको दिया नहीं?